Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So student, chapter हमारा चल रहा है respiration in organisms, जिसमें हमारा जो आज का topic है वो है how do we breathe. तो students, chapter तो आपको पता है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ब्रीदिंग के बारे में पढ़ाया जब ब्रीदिंग क्या होता है कि नहीं. तो आज हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर ये ब्रीदिंग होती कैसे है. ठीक है, आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स, जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो चलिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स. अब आपको पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे अंदर, उन्हीं की हेल्प से क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाती है कि नहीं. अब वो कौन कौन से है, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लरिंग्स, ट्रकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, लंग्स एंड डायफ्राम. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नोस्ट्रल आपको पता है क्या होता है, जो आपकी नोज में दो होल्स होते हैं ना, आपको पता होगा नोस्ट्रल क्या होता है. ठीक है ना, उसके बाद नेजल पैसेज, ये नेजल पैसेज है. ठीक है, उसके बाद आता है फेरिंग्स, ये वाला पार्ट. उसके बाद आता है लरिंग्स, जो जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ठीक है ना, ये होता है ट्रकिया, जो कि विंड पाइप होती है. ठीक है ना, और ट्रकिया के बिल्कुल अपर एंड पे क्या होता है, लैरिंक्स होता है. ठीक है, और ट्रकिया ये हो गया, ये हो गए हमारे दो लंग्स. ठीक है ना, ये दो लंग्स जो होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं. ये जो लंग्स होते हैं सराउंडेड होते हैं बाय रिब्स, ये रिब्स है, ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये जो दोनों लंग्स है दोनों सराउंडेड होते हैं रिब्स से. आपको मैंने अब डायग्राम के लिए दिखाया हुआ इधर पे, ये सराउंडेड होता है रिब्स से. और इसके फ्लोर में, चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे क्या होता है, इसमें एक मस्कुलर शीट होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं. तो समझ गए ना आप, ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनकी हेल्प से क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाती है. तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं वो लेते हैं हम नोस्ट्रल से. ठीक है ना, लेते हैं ना, जो हम ऑक्सीजन रिच एयर होता है वो हम नोस्ट्रल से लेते हैं. वो नेजल पैसेज से होकर कहाँ जाता है, फेरिंग्स, फिर लरिंग्स से होकर ट्रकिया में, ट्रकिया से होकर लंग्स में पहुंच जाता है ऑक्सीजन रिच एयर. ठीक है, पहुंच गया लंग्स में, उसके बाद लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंच गया, कि ऑक्सीजन रिच इसमें एयर जो है वो लंग्स में पहुंच गया, फिर ये ब्लड में जाके जाता है, और ब्लड जो है वो इस ऑक्सीजन रिच एयर को हर एक बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, अब उधर पे होगी रेस्पिरेशन, अब उधर पे क्या होती है, रेस्पिरेशन हो जाती है. और उधर पे क्या एंड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. ठीक है ना, हो गया ना, एनर्जी मिल गई. अब जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, एनर्जी हमारी बॉडी को जरूरत है, वो हमारी बॉडी ने यूज कर ली वो एनर्जी. ठीक है, अब उधर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बचता है. तो क्या होता है, जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के हर एक सेल में क्या है, रेस्पिरेशन हो गई. ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हर एक सेल में है. ठीक है ना, फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये ब्लड में चला जाता है, और ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कहाँ पहुंचा देता है, वापस लंग्स में पहुंचा देता है. फिर वैसे ही क्या, इसी रास्ते से वापस होकर, ट्रकिया से होकर, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल पैसेज से होकर, नोस्ट्रल से फिर एक्सहेलेशन हो जाती है. समझ गए आप, तो ये आपकी आसानी के लिए मैं बोल दी हूँ. इनहेलेशन ऑक्सीजन जो है रिच एयर हमने कर ली, हमने इनहेलेशन की ऑक्सीजन रिच एयर की, है कि नहीं. उसके बाद कहाँ पहुंच गया, इस नेजल पैसेज से, फेरिंग्स, लैरिंग्स से होकर कहाँ पहुंच गया, लंग्स तक पहुंच गया, ट्रकिया से लेकर लंग्स तक पहुंच गया. ठीक है, उसके बाद ये ब्लड में चला गया, और ब्लड जो है, ब्लड ने इस ऑक्सीजन रिच एयर को हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचा दिया. ठीक है ना, पहुंचा दिया, उधर पे होगी रेस्पिरेशन, और क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. अब जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी ने यूज कर ली, है कि नहीं. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है. ठीक है ना, हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है. उसके बाद ब्लड में जब एंटर हो जाता है, ब्लड उसको कहाँ पहुंचाता है, लंग्स तक वापस पहुंचा देता है. ठीक है ना, फिर जब लंग्स तक पहुंचाता है, तो लंग्स जो है, लंग्स से लेकर फिर कहाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये इसी रास्ते से होकर, जहाँ से लाइक ट्रकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल पैसेज से होकर, ये एक्सहेलेशन वापस करता है. ठीक है ना, समझ गए ना आप, सब इतना तो समझ गए ना. चलिए,
तो स्टूडेंट्स क्या देख लिया हमने, हमने देख लिया दैट हमने जो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अंदर ले लिया नोस्ट्रल्स के जरिए, फिर नेजल पैसेज से वो फेरिंग्स लैरिंग्स से ट्रैकिया से होकर वो लंग्स तक पहुंच गया, और लंग्स से जो लंग्स में जो ऑक्सीजन रिच एयर पहुंच गया ये फिर ब्लड से, ब्लड में जाके इसने क्या किया, ब्लड जब ये ब्लड के साथ मिल गया तो फिर ब्लड ने क्या किया, इस ऑक्सीजन रिच एयर को ट्रांसपोर्ट कर दिया हमारी बॉडी के हर एक सेल तक। उधर पे रेस्पिरेशन हो गई, और रेस्पिरेशन उधर से उधर पे क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। और जो एनर्जी है वो हमने यूज़ कर ली, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत थी हमने यूज़ कर ली। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था वो जो कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में रेस्पिरेशन हो गई थी, ठीक है ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है हमारी बॉडी के हर एक सेल में होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होता है उसका, वो होता है वो ब्लड के साथ मिल जाता है, और ब्लड जो है उसको वापस लंग्स तक पहुँचा देती है, और लंग्स से फिर क्या होता है ये वापस इसी रास्ते से बाहर एक्सहेलेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की, हो जाती है एक्सेलेशन। समझ गए ना आप? तो अब क्या है स्टूडेंट्स, अब इनहेलेशन और एक्सेलेशन के दौरान क्या होता है, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। ये जो रिब्स होती है स्टूडेंट्स, इनहेलेशन के दौरान जब ऑक्सीजन रिच एयर हम अंदर लेते हैं उस दौरान क्या होता है, रिब्स जो होती है वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर मतलब मूव करती है। रिब्स जो होती है वो मूव अप ऊपर की ओर और आउटवर्ड्स बाहर की ओर मूव करती है, ठीक है, और डायफ्राम मूव्स डाउन, और ये डायफ्राम है ये नीचे की ओर मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस साइज इन आवर चेस्ट कैविटी एंड मेक्स इट लार्जर, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसको थोड़ा बड़ा बना देता है। फिर क्या होता है, फिर जिसकी वजह से हम जो सा ये ना ये ऑक्सीजन है ये एयर जो है ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो ले पाते हैं, और जो हमारी लंग्स है वो फिल हो जाती हैं एयर से। समझ गए ना? अब एक्सेलेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। रिब्स जो होती है वो नीचे आ जाती हैं और इनवर्ड्स अंदर की ओर चली जाती हैं, जैसे कि अपनी पहली पोजिशन में थी, ठीक है ना, क्योंकि इनहेलेशन के दौरान वो बाहर और ऊपर की ओर चली गई थी, ऊपर और बाहर की ओर चली गई थी, और एक्सेलेशन के दौरान क्या होता है रिब्स जो होती है वो नीचे की ओर और अपनी पोजिशन में वापस आ जाती है, और डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन। और डायफ्राम पहले नीचे चला गया था, ये भी अपनी पोजिशन में वापस आ जाता है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड मेक्स इट स्मॉलर, जिससे क्या होता है हमारी जो चेस्ट कैविटी जो कि पहले इसका साइज इंक्रीज हो गया था इनहेलेशन के दौरान, इसका एक्सहेलेशन के दौरान इसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है और इसको छोटा बना देता है, पर जिससे क्या होता है हमारी लंग्स जो होती है इस एयर को वापस मतलब बाहर की ओर फेंक देती है। समझ गए? तो ये था पूरा मैकेनिज्म हमारे अंदर जो होता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है ना, मतलब हम सॉरी ब्रीदिंग के दौरान, ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में होता क्या है ये आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।